बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपकी रोज़ी में, ताकि आप भी अपने लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कॉइन बॉक्स ख़रीद के लाएं, एटीएम मशीन ख़रीद के लाएं, ताकि बच्चे इसके अंदर आराम से अपने अर्निंग कर सकें। मतलब जो भी पैसे बच्चों को मिलते हैं वे आराम से इधर से सेव कर लें इसमें। और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी सी एटीएम मशीन है, अभी मैं आपको ये पूरी वॉच करवाऊंगी कि इसके अंदर जो है आप अपना पासवर्ड ऐड करके ना ख़ुद भी पैसे इसमें अर्न कर सकते हैं, जैसे कि मंथली या वीकली आप कुछ भी बचाना चाहें। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। जबकि ये है तो बच्चों का टॉय, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसकी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये मशीन है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमने सेफ्टी करनी होती है, जैसा कि इसके अंदर कोड हमने खुद लगाना होता है। और इसे यूज़ करने के लिए हमें इसमें 3 अदद सेल एडजस्ट करने पड़ते हैं। 3 सेल लगाएंगे अभी हम इसके अंदर, और फिर आपको पूरी हम एटीएम मशीन जो है ना चला कर दिखाएंगे कि इसके ये कितनी हमारे लिए अच्छी है, कितनी मतलब बच्चे इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बड़ों के लिए भी काफ़ी सेफ्टी वाली है। दरअसल मैं आपको इसलिए इसका पूरा बता रही हूँ कि मैंने इसे 3 या 4 शॉपों पर देखने के बाद इसे परचेज़ किया है, और मैं आपको इसके प्राइस भी बताऊँगी। अभी आप पहले ये देखें कि इसके अंदर पता है क्या मसला है। ये मैंने 3 और 4 दुकानों पे इसलिए छोड़ी थी कि वहाँ पर जो है ना ये चल नहीं रही थी। इसके अंदर कोई 5-3 का लॉक होता है, वो फिर मैंने खुद ही समझा है। और ये देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे से अर्निंग होती है और बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक चलते हैं। म्यूज़िक मैंने खुद ऐड नहीं किए कि मैं आपको अच्छा सा रेन्यू करवा दूँ प्यारी सी मशीन का। और जब इसके अंदर पैसे जा रहे होते हैं ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये देखें, मैंने भी सारे पैसे इसमें ही जमा करने हैं, ऐसा लग रहा है। मैं ये अपने लिए भी परचेज़ करके ले आऊँगी। अच्छा, ये वैसे तो 000 पासवर्ड इसका दिया हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर पूरी लिखा हुआ है बैक साइड पे जो है ना इसके बॉक्स के ऊपर, कि आप इसके अंदर पासवर्ड खुद भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी मनी जमा कर ली है, ईद आने से पहले ही मैंने सारी ईदी निकाल कर बच्चों की इसमें जमा कर दी है। खैर, अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। पहले इसके अंदर हम 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ भी भाई ऐड कर देना, कोई सा नोट रह ना जाए। वैसे 5000 का जो है ना, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 5000 का नोट ना बंद होने वाला है इस वजह से आप लोग उस नोट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैंने भी जो है अपने घर में से अपने बिल्कुल 5000 का नोट ख़त्म कर दिया है। और चलते हैं जी, अब इसे हम देखते हैं। यहाँ से हम इसमें कॉइन ऐड कर सकते हैं, मतलब सिक्के वगैरह यहाँ से बच्चे इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो पासवर्ड लगा हुआ आता है, 4 टाइम इसके अंदर 0 दबाना होता है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक चलता है, और इसके बाद ये ओपन हो जाते हैं। म्यूज़िक से कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही म्यूज़िक है जो बच्चों की नेचुरल से है ना यूट्यूब वगैरह पर, इसलिए मैंने इसे म्यूज़िक हटा दिया। और ये देखें, जो नोट हैं वो बहुत अच्छे से इसमें एडजस्ट हैं, और 500 और 1000 के खुद भी खुद ही फोल्ड हो गए। आप ये देखें कितने अच्छे से फोल्ड हो गए ये, और बहुत अच्छी सी है, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अंदर स्पेशल बात मैं बताऊँ, ये देखें, ये जो लॉक है ना जो मैंने छुआ है, जब तक कि इसके अंदर म्यूज़िक चल रहा होगा ना, ये काम नहीं करेगा, पुश नहीं होगा, आप इसे ज़बरदस्ती बंद ना करना। और जब इसका म्यूज़िक ऑफ़ हो जाएगा, तो जो छोटा सा मैंने आपको बटन पुश करके दिखाया है, उसे आप दबाइएगा तो इसका डोर ऑफ़ हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्यारी सी एटीएम मशीन। और इसके प्राइस की बात की जाए, तो इसके प्राइस हैं 1200 रुपीज़। मतलब मैंने ये 1200 रुपये की परचेज़ की है, और आप लोग भी ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एटीएम मशीन कैसी लगी, और मैंने महंगी तो परचेज़ नहीं की है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।